3D और 2D आकृतियों की विशेषताएं। जब बच्चे एक बार 2D और 3D आकृतियों को पहचानने लगते हैं, तो ये जरूरी होता है कि इन आकृतियों में अंतर को भली बता सकें। यह अंतर को समझकर बता पाने किसी आकृति की विशेषता को समझाने में भी मदद करती है। किसी 3D आकृति की विशेषता को हम उसका पृष्ठ कैसा है, किनारों की संख्या और कोनों की संख्या के आधार पर बताते हैं। जैसे इस घन का पृष्ठ चपटा या समतल है, पर इस बॉल का पृष्ठ गोल या वक्र है। एक बेलन का पृष्ठ भी वक्रार होता है। घन के 12 किनारे होते हैं और 8 कोने होते हैं। बेलन के 2 किनारे होते हैं। ये किनारे घन की तरह सीधे नहीं बल्कि गोल या वक्र होते हैं। बॉल जो एक गोले को दिखाती है, इसमें ना तो कोई किनारा है और ना ही कोई कोना। आकृतियों की विशेषताओं को बच्चे भी तब समझ सकते हैं और बता सकते हैं जब हम उनको इनको समझने का मौका दें। इसके लिए जरूरी होता है कि बच्चे को शब्दों को सीखे और समझे। ये शब्द हैं किनारा, कोना, पृष्ठवल, पृष्ठ जो घुमावदार या गोल होता है, और चपटा पृष्ठ। बच्चों को किसी टेबल के चारों ओर खड़ा करके उनको पूछ सकते हैं कि क्या वे किनारे पर खड़े हैं या कोने पर। इस तरह से बच्चे किनारे और कोने शब्द का मतलब समझ सकते हैं। फिर हम बच्चों को अन्य चीजों के किनारे गिनने को कह सकते हैं। जैसे किताब के किनारे, बोतल के किनारे और बॉल के किनारे और कोने। बच्चों ने सरकने और खिसकने वाली गतिविधि भी की हुई है। हम बच्चों को पूछ सकते हैं कि कौन सी चीज घूमती है और कौन सी खिसकती है। गोल चीजें घूमती हैं और चपटी चीजें खिसकती हैं। यह इन चीजों का पृष्ठ होता है, गोल पृष्ठ और चपटा पृष्ठ। एक बार जब बच्चे इन शब्दों का मतलब समझ जाएंगे, तब हम बच्चों को एक कटआउट देकर पूछ सकते हैं कि इस आकार में किनारे और कोने हैं। आयत में कितने किनारे और कितने कोने हैं? गोल में कितने किनारे और कितने कोने हैं? हो सकता है कि बच्चे गोल के किनारे ना पहचान सकें। यहाँ हम उन्हें मदद करनी होगी कि वे घुमावदार किनारे को पहचान सकें। इस तरह हम बच्चों को 3D और 2D आकृतियों की विशेषताओं या गोलों को पहचानने में मदद कर सकते हैं।